अस्सलामु अलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटाइजेशन है। हम लोगों ने ई एम बी वन की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की थ्योरी। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं, आप लोग ये देखते जाएं। तो हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात करते आ रहे हैं, तो ये सीरीज़ हमारे ख़त्म होने के करीब है, तो ये देखते जाएँ। आज की जो हमारे पास वीडियो है वो छठा चैप्टर है, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर। तो इसकी वीडियो नंबर 46 है हमारे पास, मैग्नेटाइजेशन। तो लास्ट टू वीडियो रह जाएंगी, तो फिर मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, ईएमटी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर हम नेक्स्ट सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब चूँकि हम फॉलो कर रहे हैं बुक को, तो हम बुक के अकॉर्डिंग ही चलें कि बुक हमें क्या बताती है। इसमें है ये तो शार्ट क्वेश्चन है, लेकिन यकीन माने अगर हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पता लग जाए ना ये टॉपिक है क्या, तो आई थिंक काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पेपर के हवाले से तो है ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन जो पीपीएससी के पेपर के हवाले से या इंटरव्यू में क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इसमें पूछे जाते हैं। इसलिए मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा, लेकिन बताऊँगा मोटे मोटे जो इसमें मेन पॉइंट्स होंगे वो मैं इंशाल्लाह लाजमी बताता हूँ इधर। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैटर बिकम्स मैग्नेटाइज्ड। ये तो हमें पहले पता है कि जब जब भी हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ इधर साउथ है, जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है ये क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। ये हमें सिंपल सी बात का पता है, हमें ओके डन हो गया। अच्छा जी, डेट इज़ अपॉन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इट विल बी फाउंड टू कंटेन मैनी टीनी डाइपोल्स विद अ नेटेड अलाइनमेंट अलोंग सम डायरेक्शन। अब वही बात बताई गई है कि अब वो मटेरियल पर डिपेंड करता है, वो हमारे पास डायमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, तो इसमें जो डाइपोल्स होंगे, टीनी डाइपोल्स होंगे, ये हमारे पास एक ये टीनी डाइपोल, एक साउथ नॉर्थ है, एक ये है, एक नॉर्थ है, एक नॉर्थ साउथ है, एक ये हमारे पास टीनी, ये दो इसके साउथ नॉर्थ है, नॉर्थ साउथ, ये डिफरेंट है। ये ऑब्जेक्ट्स पर मटेरियल पर डिपेंड करता है। जब इसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो जो इसमें मौजूद टीनी पार्टिकल्स, जो टीनी डायपोल्स होते हैं, वो अपने आप को अलाइनमेंट करते हैं इन डायरेक्शन पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या नहीं करते, तो ये डिफरेंट होती है। अच्छा जी, वी हैव डिस्कस टू मैकेनिक्स दैट काउंट फॉर दिस मैग्नेटिक पोलराइजेशन। अब बेसिकली हम मैग्नेटाइजेशन है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक है डायमैग्नेटिक, एक है पैरामैग्नेटिक, वो एक तीसरा आता है फेरोमैग्नेटिक। लेकिन हम फेरोमैग्नेटिक को पैरामैग्नेटिक में ही कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि पैरामैग्नेटिक में फेरोमैग्नेटिक में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन डायमैग्नेटिक में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हाँ, होना क्या चाहिए था कि तीन हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए था मैग्नेटाइजेशन को, एक पैरामैग्नेटाइजेशन, फेरोमैग्नेटाइजेशन, एक डायमैग्नेटाइजेशन, लेकिन हम टू में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में दोनों में अनपेयर्ड होता है, इसलिए इसको हम एक ही कंसिडर कर रहे हैं, जबकि जो डायमैग्नेटिक है ये दोनों से डिफरेंट है, इसलिए इसको हम एक अलग कैटेगरी के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। और बस पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में मेन फर्क ये है कि जो पैरामैग्नेटिक इसमें फोर्स कम होती है, स्ट्रेंथ कम होती है, और जो फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स उसमें ज़्यादा होती है, इसमें बस मेन डिफरेंस यही है। अब पैरामैग्नेटिक दी डायपोल्स एसोसिएटेड विद दी स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये देखें अनपेयर्ड आ गए, एक्सपीरियंस अ टॉर्क टेंडिंग टू अलाइन देम पैरेलल टू द फील्ड के। अच्छा, सेकंड देख लें पहले, फिर हम बाद में देखते हैं। डायमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज अल्टर्ड इन सच अ वे टू चेंज द ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड, बट बिकॉज दी वुड डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक पोलराइजेशन बाई द वेक्टर क्वान्टिटी। अच्छा जी, अब ये दो पॉइंट, पहले ये पॉइंट, एक ये पॉइंट है, ये तो हमें पता है कि डायमैग्नेटिक में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और पैरामैग्नेटिक में और या फिर फेरोमैग्नेटिक में कोई ना कोई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। ओके, अब जो पैरामैग्नेटिक है इसमें जो डाइपोल्स हैं, सपोज कर रहे हैं ये हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे पास जो हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये क्या हमारे पास है, हम सपोज कर रहे हैं पैरामैग्नेटिक है, यानी कि इसमें एक हमारे पास क्या है, अच्छा इस ऑब्जेक्ट्स को हम जाते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसका मैटर है, तो ऑब्जेक्ट मैटर किसका बना होता है, एटम्स का। ओके, तो एक एटम में क्या होता है हमारे पास,
एक न्यूक्लियस होता है, उसके गिर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ओके, हम सपोज करते हैं कि मेरे पास जो मैटर है इसमें ये पैरामैग्नेटिक है, इसमें जहरी बात जो एटम होंगे वो भी पैरामैग्नेटिक होंगे, यानी कि एक सपोज कर लेते हैं जो मेरे पास एक अनपेयर्ड उसको हम ले रहे हैं, ये हमारे पास है। ओके, ये मेरे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकी पेयर्ड हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, उनको छोड़ देते हैं, ये हम पैरामैग्नेटिक ऑब्जेक्ट की टाइम पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ देखिए मेन बात है, एक तो बात होगी अनपेयर, दूसरी बात है स्पिन की, ये बात है। अगर आप लोगों क्वांटम स्टडी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि जो क्वांटम पार्टिकल होता है, क्वांटम पार्टिकल उस पार्टिकल को कहते हैं जिसमें डुअल नेचर होती है, वेव नेचर भी होती है, पार्टिकल नेचर भी होती है। खैर मैं वो डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। तो जो क्वांटम पार्टिकल होता है, क्वांटम पार्टिकल में सपोज करें मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब इस इलेक्ट्रॉन की अपनी स्पिन मोशन है, इलेक्ट्रॉन की यानी कि अपने ये सपोज कर रहे हैं मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन अपने स्पिन की एक्सिस के गिर्द घूमता रहता है, ये स्पिनिंग मोशन है। लेकिन जब इस इलेक्ट्रॉन को किसी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो अब जो इलेक्ट्रॉन है अपनी स्पिनिंग मोशन वो भी जारी रखेगा और साथ साथ इस एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड के अलोंग भी मूव करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो यही हिसाब है कि पैरा मैग्नेटिक में स्पिन मोशन भी होती है, उसके जब हमारे पास टॉर्क क्रिएट होता है जो कि पैरेलल होता है, तो जिस डायरेक्शन में हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे उस डायरेक्शन में टॉर्क भी क्रिएट हो जाता है। अब बात करते हैं डायमैग्नेटिक की, इसमें ऑर्बिटल मोशन आ जाती है, स्पिन ऑर्बिटल मोशन अल्टर्ड इन सच अ वे टू चेंज द ऑर्बिटल डायमोमेंट इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट, यानी देखिए ऑपोजिट टू द फील्ड, जो हम फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसकी ऑपोजिट जो होती है डायपोल मोमेंट वो क्रिएट हो जाती है। इसमें मेन बात क्या थी, एक थी अनपेयर्ड और इसमें क्या थी पेयर्ड, एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है, स्पिन है और इसमें क्या है ऑर्बिटल है, ये दो बातें हैं। एक ये है स्पिन, पैरम में स्पिन होता है और ऑर्बिटल में क्या होता है डायमैग्नेट में क्या होता है ऑर्बिटल मोशन होती है। ऑर्बिटल मोशन को हम रिवॉल्विंग मोशन का भी नाम देते हैं, यानी कि पैरामैग्नेटिक ऑब्जेक्ट की जब हम एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसकी स्पिनिंग मोशन की वजह से जो मेरे पास होते हैं ना क्या नाम लेते हैं डाइपोल मोमेंट वो इन दी फॉर्म इन दी अलाइनमेंट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड, यानी कि ये देखें ये हमारे पास एक क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये किस में है पैरामैग्नेटिक में ले लेंगे या फिर फेरामैग्नेट में ले लें। अगर इसमें हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो अब इसकी जो हो हमारे पास होगी ना क्या नाम लेते हैं डाइपोल मोमेंट इस सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड की वजह से वो इन दी अलाइनमेंट इसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। किस केस में है? पैरामैग्नेटिक केस में है। ओके, जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट होगा हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, ये तो होगी बात। अब अगर इसी जगह हम रख दें डायमैग्नेटिक के एटम को, किसके डायमैग्नेटिक के एटम को रख दें, और यहां गलती होगी, ये हमारे पास केस है पैरामैग्नेटिक का, तो इसमें ऑपोजिट होगी यानी कि इस तरह होगी जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट होगी। यानी कि अगर इसके हम मिसाल लें, ये देखें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ओके, तो इसमें अगर कोई हम एटम रख दें किसका पैरामैग्नेटिक का या फेरामैग्नेटिक का, तो उसमें जो हमारे पास या फिर ऑब्जेक्ट मटेरियल रखते हैं तो उसमें जो हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो होता है उसकी स्पिनिंग मोशन की वजह से जो हमारे पास होगी डाइपोल मोमेंट वो हमारे पास अपवर्ड होगा, डायरेक्शन क्या होगी अपवर्ड होगी, और जबकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन है। ये मेरे पास है पैरामैग्नेटिक या फिर फेरामैग्नेटिक। अगर हम इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें डायमैग्नेटिक को तो उसकी जो मेरे पास डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले इसको हम देख लें कि मैग्नेटाइजेशन है क्या, फिर उसके बाद हम डाइपोल मोमेंट भी देख लेते हैं। ये देखें कि जो मेरे पास है मैग्नेटाइजेशन वो क्या है कि मैग्नेटाइजेशन ये है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम
यानी कि जो हमारे पास ये है, ये क्या है, ये है हमारे पास मैग्नेटाइजेशन। क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसको हम किस तरह समझें, सपोज करें हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसमें जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट है वो डिफरेंट डायरेक्शन में पड़े हुए हैं। ओके, जब इसके ऊपर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा अगर इस अभी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे, अगर इस समय कुछ वॉल्यूम ले लें तो इसमें जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जो हम वॉल्यूम ले रहे हैं उसमें किसी डायरेक्शन इस जानब, किसी किस जानब, किसी इस जानब है। लेकिन जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो यही ऑब्जेक्ट होगा, तो अब इसमें जो हमारे पास होंगे डाइपोल मोमेंट वो अक्सरियत में ज़्यादा अपने आप को यानी कि इन द अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे। अब अगर हम किसी एक वॉल्यूम ने, अब इस वॉल्यूम में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो नहीं होगा। ओके, यानी कि जो पूरे ऑब्जेक्ट की जो मेरे पास डाइपोल मोमेंट होता है, और अगर किसी हम स्पेसिफिक एरिया की स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करें तो उसको वहाँ हमारे पास मैग्नेटाइजेशन हो जाती है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पूरे ऑब्जेक्ट की डाइपोल मोमेंट है, लेकिन मैग्नेटाइजेशन क्या होता है किसी स्पेसिफिक वॉल्यूम पर की देखना, उसको हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। ओके, अब इसका जो ऐसा यूनिट है हमारे पास मैग्नेटाइजेशन का, वो हमारे पास क्या है, यानी कि अल्लाह बरअल्लाह करे आप लोगों का ये है। तो पहले डाइपोल मोमेंट का देख लेते हैं। डाइपोल मोमेंट का जो हमारे पास ऐसा यूनिट है वो हमारे पास होता है एम्पीयर, सॉरी, क्योंकि हमारे पास जो ये होता है ना डाइपोल मोमेंट वो इक्वल होता है एन आई ए के, ये नंबर ऑफ कॉइल्स होती हैं, इसको हम निगल करते हैं आई ए। तो अब आई क्या है, करंट है, तो इसका जो जो हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा जी, एम्पेयर होगा, एरिया है, इसका मीटर होगा, यानी कि इसका होगा एम मीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम क्यूब है, इसे कैंसिल, तो हमारे पास ए ओवर एम बच जाएगा, यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा, ये है एम्पेयर ओवर मीटर। ये हमारे पास ऐसा यूनिट है किसका, मैग्नेटाइजेशन का। और अगर इसके हम डायमेंशन की बात करें वो हमारे पास होगी ए एल नेगेटिव, ये हमारे पास होगा, ये होगा और इसका ये होगा, ये हमारे पास डिमेंशन है, हमारे पास ऐसे यूनिट है। तो अब ये बुक पर पढ़ते हैं, एम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन, प्ले रोल मैग्नेटाइजेशन, अच्छा जी, अच्छा इसमें प्ले अ रोल एनालॉगस टू पोलराइजेशन, जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास ये पी एम के दर अदा करता था, इसी तरह हमारे पास मैग्नेटाइजेशन में मैग्नेटोस्टैटिक्स में एम एम के दर अदा करता है। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल नॉट वरी अबाउट हाउ द मैग्नेटाइजेशन गेट देयर, इट कुड बी पैरा मैग्नेटिक, यानी कि हमें जो इसके बारे में परेशान के बारे में तलक नहीं है, अगर हम पैरा मैग्नेटिक ले रहे हैं या फेरामैग्नेटिक ले रहे हैं या फिर हम डायमैग्नेटिक ले रहे हैं, उसके हमारे वाले इसमें पर मैग्नेटाइजेशन होगी, इसलिए इसके बारे में हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। We shall take M as given the magnetic field in this magnetization itself produces. वही है कि जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसके हवाले से, उसमें जो हम उसी के हवाले से जो हम कैलकुलेट कर सकेंगे मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर हम पैरा मैग्नेटिक ले रहे हैं या डाय मैग्नेटिक ले रहे हैं या फेरा मैग्नेटिक ले रहे हैं, तो हर डिफरेंट का मैग्नेटिक फील्ड जो हम फाइंड कर रहे हैं वो अलग ही होगा। ओके, इस इंसिडेंटली इट मे हैव सरप्राइज यू लर्न दैट मटीरियल अदर दैन द फेमस फेरोमैग्नेटिक, यानी कि हमारे पास फेमस फेरोमैग्नेटिक मटीरियल वो कौन से हैं, आयरन है, निकल है, कोबाल्ट, इसी तरह पर कॉपर भी है, आर अफेक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल, यू कैन नॉट ऑफ कोर्स पिक अप अ पीस ऑफ वुड और एल्यूमिनियम विद अ मैग्नेट, द रीजन इज दैट डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म आर एक्सट्रीमली वीक। ये याद रखिएगा, इधर मेन पॉइंट है कि जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इनमें जो हमारे पास फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि जो जो हमारे पास होती है डायमैग्नेटिज्म में और फेरोमैग्नेटिज्म ऑब्जेक्ट्स में फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती बल्कि वीक होती है। इट टेक्स अ डेलिकेट एक्सपेरिमेंट एंड पावरफुल मैग्नेट टू डिटेक्ट देम एट ऑल इफ यू वांट टू सस्पेंड अ पीस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अबव द सोलेनोइड। अब ये पॉइंट यहाँ से देखिएगा, यहाँ समझने वाला है कि इन फिगर 3 द इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन वुड बी अपवर्ड एंड hence the force downward. By the contrast, the magnetization of a diamagnetic object would be downward and force upward. यहाँ contrast आ रहा है कि ये देखें जो मेरे पास figure number 3 है, ये मेरे पास figure number 3 है, अगर इस figure number 3 के ऊपर हम ये जो ring है या material है या object है, अगर ये हम रख दें paramagnetic का, तो पैरामैग्नेटिक रखने का मतलब क्या है कि यहाँ जो फोर्स होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी
और अगर हम डायमैग्नेटिक मटेरियल रख दें तो उसमें केस में जब फोर्स होगी अपवर्ड, केस में अपवर्ड होगी हमारे पास, ओके। और यहाँ ये भी याद रखिएगा कि जब हम पैरा या फेरुला रख रहे हैं उसमें कोई इसमें फोर्स तो नीचे की हो होगी, क्योंकि एक उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, ओके, अनपेयर्ड जो होता है। लेकिन इसमें जो मेरे पास डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की, वो हमेशा अपवर्ड ही रहेगी। अब ये भी अहम इम्पोर्टेंट है पॉइंट। ये मेरे पास डायग्राम है, इस डायग्राम पर हम सपोज करते हैं, क्या रखते हैं, पैरामैग्नेटिक मेरे पास रिंग है। अब इस अच्छा ये देखें, अब मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा ये क्या चीज़ है, ओके। क्यों? क्योंकि इस पर मैं पहले बहस कर चुका हूँ, मेरे पास टॉपिक इस पर है, ये टार्क एंड फोर्सेस और मैग्नेटिक डाइपोल। जब हमने इसको डिस्कस किया था तब हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, यानी कि ये देखिए जो मेरे पास वीडियो नंबर 41 है, 41 में टार्क ऑफ फोर्सेस एंड ऑन मैग्नेटिक डाइपोल पर जब हमने बात की थी, तो इसमें हमने इस पर डिटेल में बात की हुई है, तो आप इसका लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो अब देखें, यानी कि यहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ स्ट्रेंथ कम है, क्योंकि मेरे पास नहीं है। अब ये केस है, तो ये हम सपोज करते हैं ये मेरे पास क्या है, ये हमने रख लिया पैरामैग्नेटिक मटेरियल को या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को यहाँ ये वाला रिंग में। अब यहाँ जो मेरे पास ड्यू टू अनपेयर्ड, क्योंकि हम जानते हैं पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड होता है, उसकी वजह से जो मेरे पास फोर्स होगी वो डाउनवर्ड होगी, यानी कि इसके ऑपोजिट होगी, जो हम एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड दे रहे हैं ये वाला, क्योंकि इसके ऑपोजिट होगी। लेकिन जो डाइपोल मोमेंट होगा पैरामैग्नेटिक में, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड ही रहेगी, ओके। अगर हम इधर रख देते हैं, इधर रख देते हैं डायमैग्नेटिक, तो डायमैग्नेटिक में जो हमारे पास डायपोल मोमेंट होगी वो इसके ऑपोजिट ही होगी, ये तो हम जानते हैं, ओके। ये किस केस में है? डायमैग्नेटिक में। तो यही इधर बताया गया है कि फिगर नंबर 3 में अगर आप पीस ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल रख सकते हैं अबव द सोलेनोइड, मेरे पास सोलेनोइड नीचे वाला, ओके। अच्छा जी, फिगर 3, द इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन वुड बी अपवर्ड, यानी कि जो मेरे पास डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी, लेकिन जो मेरे फोर्स होगी ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वजह से वो डाउनवर्ड ही होगी। बाई कंट्रास्ट द मैग्नेटाइजेशन ऑफ डायमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट वुड बी डाउनवर्ड एंड, यानी कि उसके ऑपोजिट होगी पैरामैग्नेटिक के, जो पैरामैग्नेटिक का केस है उसकी उल्ट हो जाएगी डायमैग्नेटिक की, क्योंकि इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इस वजह से। इन जनरल व्हेन अ सैंपल इज प्लेस्ड इन अ रीजन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द पैरामैग्नेटिक इट अट्रैक्टेड टू द फील्ड, फिर यस द मैग्नेटिक मैग्नेट इज रिपेल्ड। अभी ये मैंने बता दिया अभी आप लोगों को पीछे, कि जब हम पैरामैग्नेटिक रखते हैं इस ये मटेरियल, तो इसमें जो डाइपोल मोमेंट होता है वो इसके अलोंग ही होता है, और डायमैग्नेटिक में इसके ऑपोजिट होता है। और इसमें शर्त क्या है, ये जो ये फील्ड है ये नॉन यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ये मेरे पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है। बट द एक्चुअल फोर्सेज आर, यानी कि वही बात बताई गई है कि जो मेरे पास पैरामैग्नेटिक की और फेरोमैग्नेटिक की जो फोर्सेज होती हैं वो वीक होती हैं, यानी सॉरी डायमैग्नेटिक की और जो पैरामैग्नेटिक की जो फोर्सेज होती हैं वो वीक होती हैं, यानी कि फेरोमैग्नेटिक की निस्बत से। अब देखिए जो कॉपर है हमारे पास, इधर आयरन है, आयरन चूंकि किस में आ रहा है, ये देखिए आयरन फेरोमैग्नेटिक में आ रहा है, तो आयरन की जो फोर्स होगी वो ग्रेटर देन होगी, या तो 4 times या 5 times ग्रेटर होगी किससे, डायमैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक ऑब्जेक्ट से, ओके। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक, मेरे पास आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को एक पैरामैग्नेटिक की समझ आ जाती है तो इसका उल्ट डायमैग्नेटिक में होगा, अगर आप लोगों को डायमैग्नेटिक की समझ आ जाती है तो इसका उल्ट क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ओके। तो खैर ये पेपर के हवाले से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन MCQ जो PPSC में या फिर अदरवाइज इंटरव्यू में पूछे थे उसके हवाले से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये शॉर्ट क्वेश्चन आप डेफिनेशन कर लें इसकी, तो इसका जो ऐसा यूनिट में लिखाया या डायमेंशन लिखाया सिर्फ आप वो कर लें तो आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक एमएन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। जज़ाकअल्लाह खैरा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।